को ज्यादा पे करती है ना। पावर लिफ्टिंग फेडरेशन यूएसए की तरफ से एक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप रशिया में मॉस्को में हुई, तो उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला। तो ये जो मौका प्रदान किया, ये दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन है पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडस इंडिया, जिसके फाउंडर और प्रेसिडेंट हमारे सुनील लोचाब गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने गाइड किया, सपोर्ट किया। तो वो अपनी पूरी टीम इंडिया की लेके गए, जिसमें हम 9 खिलाड़ी थे। तो 9 खिलाड़ियों ने वहाँ पे अपना जोर प्रदर्शन किया। और वहाँ जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन जो दुनिया की नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं जम्मू कश्मीर में अकेला ही वहाँ पे शेर गया था, तो शेर ही बोलूँगा क्योंकि डुगर शेर होते हैं। तो इसके लिए वहाँ मेडल, एक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी थी। पार्टिसिपेशन होना हमारे एथलीट के लिए बड़ी गर्व की बात है, मगर वहाँ एथलीट को पार्टिसिपेट करने के बाद अगर ब्रोंज मेडल भी कहीं हरियाणा या किसी और स्टेट से किसी भी कंट्री के लिए कोई एथलीट जीत के जाता, उसके लिए बहुत ज़िंदगी में उसके लिए लाइव मोमेंट होता है, बहुत एक ड्रीम होता है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो एक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कोई यकीन नहीं था, जैसे वहाँ पे एक 40 से 45 कंट्रियों ने भाग लिया, उसके 40 और 45 कंट्रियों के एथलीट्स, जिसमें लगभग 5434 एथलीट्स थे, ज़रूरी नहीं पावर लिफ्टिंग के, वहाँ पे बेंच प्रेस थे, वहाँ पे चिनअप्स थे, स्क्वाड थे, पुशअप्स थे, उसमें अलग अलग छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सब ने उसमें भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। जहाँ तो महिलाएं डरती हैं जिम में जाने के लिए, जहाँ तो डरती हैं कि हम फिटनेस नहीं करेंगे, चलो एक घर का कोई लड़का बच्चा चला जाए कोई, तो आपको पता है मेरी एज का कोई जाए तो वो कहता है आपको क्या ज़रूरत है फिटनेस के लिए, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे जिम में जाने के लिए, आप हड्डियाँ तोड़ाओगे क्या। तो मगर जब वहाँ जाके अब्रॉड में जाके पता लगता है कि लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ के लिए सबसे सब कुछ खरीद सकता है बंदा, हेल्थ नहीं खरीद सकता। तो इसके लिए मेरा टारगेट है कि हमारे युवा जो नशों में जा रहे हैं, नशों के दलदल में फंस रहे हैं, उन माँ बाप के आंखों में आंसू जो कोई नहीं देख रहा, ना एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, ना सरकारें देख रही है, ना हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक ऐसा कुछ करके जाएं कि ताकि बच्चे जो नशों से दूर हो के, माँ बाप के बच्चे तो बचें, क्योंकि इतना ज़्यादा काम खराब हो चुका है। तो स्पोर्ट एक ऐसा माध्यम है, स्पोर्ट्स के गेम्स एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। और मैं बहुत गर्व भी महसूस कर रही हूँ कि ये गए खेले और जीत के आए हमेशा की तरह। मैं सभी से यही बोलूँगी कि जाएं इस फील्ड में, ज़रूर जाएं, खासकर जो युवा आजकल नशों की तरफ जा रहे हैं वो ज़रूर इस फील्ड में जाएं। अगर पढ़ाई नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही आगे जाओ, ये वाली फील्ड चुनो, जाओ इसमें, मरना तो है, नशों से क्यों मरें, ये ऐसा कुछ करके जाएं कि लोग हमें याद रखें। आज बहुत खुशी का मौका है हमारे कठुआ के हरिपाल सिंह बबलू जी, जो मॉस्को में जाके पावर लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल लेके आए। और मैं एज ए स्पोर्ट्समैन, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ कठुआ से, और मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं जितने भी युवा हैं जो नशे की ओर भाग रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि आप नशे से दूर रहो, शाम को स्टेडियम जाके अपनी गेम्स खेला करो। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा युवाओं के लिए। और मैं इतना भी इनको, बबलू जी को एक मैसेज और दूँगा कि ये इन फ्यूचर और अच्छा करके आएँ ताकि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम चले। इन्होंने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, मैं उसके बारे में एक शेर द्वारा बोलूँगा कि मैं तो एक ज़र्रा हूँ, हुआ करे जो समंदर वो मेरी तलाश में है। इन्होंने इस शेर को प्रूव करके दिखाया है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आदमी नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो।
लेकिन इसके साथ मैं अपनी गवर्नमेंट्स को, अपनी सरकारों को ये उनके जहन में लाना चाहूँगा कि कम से कम उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि आपके स्टेट का एक एथलीट इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके आया, दे आर सपोज टू बी हियर एटलीस्ट। तो ये बड़े दुख की बात है, हमारे लिए दुख की बात है, तो जो लेके आया होगा उसके दिल में क्या गुजरी होगी। तो दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, क्या दे आर सपोज टू वेलकम द गाय हु हैज अटेन्ड सच अचीवमेंट। तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा उनको, बोल ही सकते हैं हम लोग और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल दैट विल कन्वे माई मैसेज टू द गवर्नमेंट।